लाइट पहले से जलता है। हाँ, लाइट ये सेफ्टी फीचर की वजह से जलता है। इन्होंने इसका बंद करने का स्विच नहीं दिया। चलें सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलने का मौका मिला। ठीक है सर, तो अभी हम शक्ति नगर से निकल चुके हैं और अब सुबह सुबह का मतलब ताजगी आ गई है फिर से। कल हमने 436 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई और आज फिर करीब हमारा टारगेट है गाड़ी ड्राइव करने का 250 किलोमीटर बाद हम पहुंच जाएंगे जो अपना उल्टा पानी, राइट। क्या बात, हम तो लेफ्ट से आए थे, कहीं और से दिखा रहा है बाहर जाने का रास्ता, और क्या सही है क्या गलत है मैं बता नहीं सकता। कितना सही है किसी और गेट से बाहर निकालना हमें। हो सकता है 3-4 गेट बने हों इसमें। भैया हमें उधर जाना है, मतलब बाहर जाना है, तो ये बाहर निकला रास्ता है। हम जाएंगे अंबिकापुर साइड। हाँ हाँ, दाहिने दाहिने कहीं मुड़ा है आगे से दिखा रहा है इसमें। अच्छा, और वो सीधा आप चले जाइएगा अंबेडकर चौक, आप जाइएगा बेढ़न में। अच्छा, वो सीधा एकदम बेढ़न। हाँ, उसके बाद एक छोटा मस्जिद मिलेगा, एक बड़ा मस्जिद, बड़ा मस्जिद से एकदम आप सीधा चले जाइएगा। अच्छा अच्छा, ये चला जाएगा अंबिकापुर। अच्छा अच्छा, आगे ले निकल जाएगा। हाँ हाँ, ठीक चौक आप चले जाइएगा। ठीक ठीक, थैंक यू। हाँ हाँ, तो सुबह की ठंडक है और थोड़ा सा रास्ते में अभी कंफ्यूजन है क्योंकि गूगल बाबा ने शॉर्टकट बता दिया है। बैढ़न बैढ़न हो के अब थोड़ा सा रास्ता हमारा डिफिकल्ट होने वाला है। ऊपर वाले से मैं यही दुआ करूँगा कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। ये रहा NTPC शक्तिनगर, यहाँ पर कोयले से बिजली बनती है और सुबह मतलब वही कल वाली ठंडक, आज सुबह भी ताजगी है, जोश है, और इसी ताजगी और जोश खरोश के साथ आगे बढ़ रहा हूँ मैं। और ये जो धुआं दिख रहा है आपको ने, ये धुआं है आपके इस NTPC जो कोयला जलता है उसका धुआं है, क्योंकि ये सूंघने से ही पता लग रहा है कि कुछ अलग चीज़ है, मतलब ये कोहरा नहीं है, ये धुआं है। तो ये क्या है, नदी, नदी क्या है, नाला है। कितनी गायें और बछड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाप रे, कम से कम 50 से ऊपर ही है। और हमें निकले हैं बाहर, तो रात का जो है बड़ा अच्छा गुजरा दोस्त के साथ में शक्तिनगर में, और ये यहीं पे केंद्रीय विद्यालय में पोस्टेड है। योगिंदर सिंह जी बनारस के हैं, बड़े अच्छे आदमी, भले आदमी हैं, और हमारा रात का जो मतलब ठहराव था बहुत अच्छा रहा। तो सुबह होते ही जर्नी शुरू, और हम लोगों के बाइकर की ज़िंदगी यही है। यहाँ से रोडवेज की बस भी दिख रही है, तो मतलब ये शॉर्टकट रास्ता है जो निकालता है लोगों को बाहर। इतना बड़ा ब्रेकर, सर सही कह रहे थे कि अगर छोटी गाड़ी हो तो ब्रेकर इतने हैं, 63 ब्रेकर बता रहे थे कि उसमें गाड़ी जो है नीचे से लग जाती है। क्या है, एस डिस्पोजल पाइपलाइन, मतलब इस पाइपलाइन से जो राख है वो राख निकल करके डिस्पोज की जाती है। ये पाइपलाइन लगी हुई है, पाइपलाइन से जाती है, तो लिक्विड के थ्रू इसको भेजते होंगे प्रेशर से। ऊर्जा नायक द्वार, इतना बड़ा डैम भैया, देखो इधर से ले करके पूरा, ओ माय गॉड,
मतलब बिजली ही बिजली बनती, बिजली की कोई कमी नहीं है। इधर भी डैम का एरिया दिख रहा है और इधर भी डैम का एरिया दिख रहा है। इधर तो मतलब कई किलोमीटर तक है, मतलब अगर आप पैदल घूमना चाहें डैम के चारों ओर तो नहीं घूम पाएंगे। और अभी तक तो हमने इसको किताबों में पढ़ा था, और ये रिहंद डैम हमारे सामने है और बिजली इसी रिहंद पानी से बनती है। और यहाँ पे ढेर सारे थर्मल पावर स्टेशंस भी हैं, तो आप देख सकते हैं मतलब आपके सामने मतलब क्या खूबसूरत नज़ारा है, और चिड़िया कितनी चहक रही है, मज़ा आ रहा है चिड़ियों को। इधर भी बड़ा अच्छा लैंडस्केप है, अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, 10 में से 10 नंबर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये झील का पूरा एरिया, मतलब वहाँ से बिल्कुल दिख रहा है, उधर अंदर कुछ बना हुआ है वाटर सप्लाई के लिए। और यहाँ पे आप देखिए वो आइलैंड, मतलब इस आगे वाले के आगे, उधर आगे आइलैंड के आगे बना हुआ है। अगर चारों तरफ घूमा जाए तो 100 किलोमीटर से ऊपर हो जाएगा। ये दिखने लगा है, यह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। यह है सीमा समाप्त होती है थाना बबनी, जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश, और सीमा प्रारंभ यहाँ शुरू होती है जिला बलरामपुर थाना बसंतपुर छत्तीसगढ़। तो अब हम जो है छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे हैं। ये ब्रिज मुझे लग रहा है बॉर्डर है, और ये पुल को पार करते ही हम पहुँचेंगे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ शासन आपका स्वागत करता है। क्या कुछ बना के बेच रहे हैं क्या? पकौड़ी बनाते हैं? अच्छा, भजिया, भजिया और पकौड़ी। हाँ, फिलहाल में देखिए जो क्या क्या निकाला है। भाई साहब थोड़ा थोड़ा सब जरा खिलाइए तो, हाँ जरा टेस्ट करें, यहाँ का भी हमें कुछ देखने को मिले, छत्तीसगढ़ का कल्चर और खान पान। कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं अंबिकापुर। इधर कहाँ से? इधर लखनऊ से। देख लीजिए अनुभव करके। अच्छा, इसमें किस किस चीज़ की पकौड़ी है? इसमें आलू वाला है और मूंग दाल वाला, ये मूंग अच्छा वाला है। आलू वाला है, मूंग दाल वाला है, और ये चटनी है यहाँ की। और क्या बनाते हैं? जलेबी बनाते हैं। इसमें क्या है? इसमें जलेबी की चाशनी है। अच्छा, चाशनी है। अच्छा, सुबह नाश्ते में बनता होगा ये? अच्छा, बनता रहता है। चलिए, तो अभी हम छत्तीसगढ़ में हैं, और ये मूंग दाल की पकौड़ी है, ये एक स्पेशल चटनी है, कुछ बनाते हैं खेत में होता है। खट्टा खट्टा है, और जो इसका टेस्ट है बिल्कुल अलग है। अंकल जी, किस चीज से बनती है चटनी ये वाली? क्या चीज है ये? लकड़ा। अच्छा अच्छा, अच्छा ये पत्ती वाला है, पत्ती वाला है। फूल वाला रहेगा ना? अगर इसके फूल का, लकड़ा के फूल का चटनी बनाएंगे तो और टेस्ट लगेगा। तो कब मिलेगा खाने को वो लकड़ा वाले फूल का चटनी? कब खिलाएंगे? अभी फूलेगा इसका। अच्छा, अभी अभी पत्ता आया है, अभी पत्ता आया है, जब फूल आएगा तब उसमें और मजा आएगा। अच्छा अच्छा, इसमें धनिया पड़ी है, धनिया का स्वाद आ रहा? नहीं तो धनिया, उसमें खड़ा धनिया, खड़ा धनिया। हाँ, मतलब उसका टेस्ट और इसमें चार चांद लगा रहा। ये यूपी में नहीं मिलेगा खाने को, हर जगह का जो खान पान जो कल्चर है बिल्कुल अलग अलग है। तो ये है, देश दुनिया घूमने से आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, तरह तरह चीज़ें खाने को मिलती है। जो अभी आपके सामने ये है, पकौड़ी है और चटनी है, बिल्कुल पानी में भी स्वाद आएगा। पानी में बिल्कुल अलग ही स्वाद है, अलग ही टेस्ट। हाँ हाँ,
अच्छा ये कहावत है यहाँ, कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, इसके बारे में क्या कहना है? छत्तीसगढ़ है ना, बहुत शांति इलाका है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो भैया छत्तीसगढ़ आओ और पकौड़े का स्वाद लो। किसी भी राज्य में जब पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो वहाँ बहुत कुछ फलता फूलता है, सरकार को आमदनी मिलती है, वहाँ के लोगों का फायदा होता है, चीज़ें डेवलप होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। तो इसका मज़ा आप तभी ले पाएंगे जब यहाँ आएंगे। नहीं टेस्ट है तो भैया कौन सा टर्न है, बड़ा ऊंचा है भाई साहब, किस चीज़ की खेती है?
अच्छा अंबिकापुर, चलो अच्छी बात है। मैं भी एक टीचर ही हूँ, अभी 10 दिन की छुट्टी हो गई तो मैंने कहा चलो घूमाता हूँ। अंबिकापुर के पास में है एक उल्टा पानी, 50 किलोमीटर आगे पानी वो पहाड़ पे उल्टा चढ़ता है ऐसा बताता है, ग्रेविटी कम काम करती है। इसको आप लोग घर में कैसे इस्तेमाल करें, जब कच्ची है तो कच्ची भी बना के खाते हैं उबाल के, मतलब और भी डिशेज वगैरह बनती है इसकी। चलिए भाई साहब, बड़ा अच्छा लगा देख करके, तो हम YouTube के लिए भी काम करते हैं, थोड़ा बहुत वीडियो बना के डाल लेते हैं। थोड़ा साइलेंसर से दूर रहना है, बहुत गर्म है, यहाँ से डालो यहाँ से। मैडम ये बंद है क्या रोड? इधर रोड बंद है अभी। कौन सा है ये? आप शूटिंग कर रहे हैं? शूटिंग कर रहे हैं आप? ना ना, आ रहा हूँ मैं, लखनऊ से आ रहा हूँ। शूटिंग कर रहे हैं बोल रहे? हाँ, इसी का? नहीं नहीं, मैं तो कहीं जा रहा हूँ ना, मुझे इधर जाना है उल्टा पानी, इधर से निकल जाए। लखनऊ से? लखनऊ बाइकिंग है? बाइकर हैं। कंपटीशन वाला है आपका? नहीं नहीं, ऐसे घूमने का शौक है। अभी होने लगी है तगड़ी वाली बारिश और हमें यहीं पे पड़ेगा रुकना। ओह माय गॉड, ये कब तक बारिश होगी कुछ पता नहीं है। ये वो जगह है, यहाँ कहते हैं पानी जो है उल्टा चढ़ता है पहाड़ पे। अच्छा, उल्टा पानी? उल्टा पानी। आप यहाँ से मन पाट कर जाइए ना। है मन पाट? अच्छा, इसे घाट आप चढ़ गए इधर, हाँ समनिया होगा लेफ्ट साइड में, तो टीना में लिख के। अच्छा, समनिया? हाँ समनिया। हाँ, उससे थोड़ा सा आगे ढाल आएगा। हाँ, ढाले के पास राइट तरफ पकी रोड घुसा है, उसी में चले जाइएगा। भीतर पानी होके आगे, भीतर पानी होके, भीतर पानी होके। हाँ? अच्छा, तो भीतर पानी में स्कूल है, स्कूल से आगे जाइएगा। अच्छा, जैसे जंगल शुरुआत पड़ेगा। हाँ हाँ, बस एक तरफ है वही उल्टा पानी जो हर तरफ। हाँ हाँ, और वहाँ भैया हम लोग गए हैं कई बार। आप गए हैं वहाँ पे? कैसा है वहाँ पे? वहाँ एक कुआं है। अच्छा, और वो कुआं का पानी है तो खेते में बह रहा है। खेत से मतलब कि वो नाली बनाए थे ना। अच्छा, पहले नहीं पता चल रहा था। हाँ हाँ, लेकिन जब गाड़ी सब बैठी उल्टा खड़ा कर दिए रहते हैं तो ऊपर भी चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है। ये बात सही है? हाँ, ये सच्चाई है। हाँ, मैं इसी को देखने के लिए लखनऊ से आ रहा हूँ बाइक से। लखनऊ से आ रहा हूँ बाइक से, कल सुबह का चला हूँ, आज दूसरा दिन है। तो ये बताइए, क्या वहाँ रुकने का इंतजाम कहीं हो सकता है? तो मैनपाट
आप कमलेश्वरपुर चले जाइए, वहाँ आपको लाज फाज सब मिलेगा। अभी नहीं बनाए हैं। अच्छा, रेस्ट हाउस सब वहाँ आपको मिलेगा। टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट। अच्छा, ये सब देखिए, ये सब कितनी दूर है? ये सब कितनी दूर होगा वहाँ से? आपको भैया यहाँ से बताऊँ? नहीं, वहाँ से, वहाँ से मतलब वहाँ जैसे आसपास गांव के लोग क्या। टाइगर पॉइंट आपको कम से कम 11 किलोमीटर पड़ेगा वहाँ से, उल्टा पानी से। हाँ, अच्छा, वहाँ से आपको वहाँ 5 किलोमीटर पड़ेगा, 5-7 किलोमीटर उल्टा पानी से। हाँ, कमलेश्वरपुर। कमलेश्वरपुर, अच्छा, वहाँ आपको रुकने उकने का होटल होटल लॉज सब है। है सब? हाँ। अच्छा अच्छा, और वहाँ से आप टाइगर पॉइंट जो बोल रहा हूँ ना, हाँ, वहाँ झरना वो गिर बनाए, वो गिर रहा है। अच्छा, पानी गिर रहा है ऊपर से नीचे। हाँ। अच्छा,